प्रभु प्रेम से सफल बना लो आज को।
ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 22 सितंबर 2020 की मधुर मुरली। बाबा आज कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। आज बाबा ने क्या कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक बाप को याद करते रहेंगे और दूसरा, एक बाप को ही प्यार करेंगे। आज के मुरली का प्रश्न, सयाने बच्चे, समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? बाबा ने पूछा कि सयाने बच्चे, सयाने अर्थात जो बहुत होशियार बच्चे हैं, तो सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? बाबा कहते, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए, ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकाल दे जाओ, बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। पुरुषार्थ किस चीज़ के ऊपर? बाबा ने कहा कि जब ये आत्मा शरीर छोड़े तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कोई भी बात याद ना आए, इसलिए बाबा कह रहे हैं, और कर्मातीत बन करके जाना है। अर्थात बाबा कहते, इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालना है, बस हम जा रहे हैं, और ये है मूल पुरुषार्थ, बाबा ने कहा। आज का गीत बहुत सुंदर सा गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ये भी बहुत सुंदर पुराने फिल्मों का ही ये गीत है, जो कि साकार में बाबा थे तो मुरली से पहले बाबा ये गीत बजाते थे, इस प्रकार के गीत, और ये गीतों के पीछे बहुत सुंदर इसके भावार्थ भी समाये हुए हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं और बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से कि बाबा हम आपके बने हैं, और अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुँचे आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वह जल जाएंगे, और इसको ही योग अग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं। बाबा कहते, इस योग के अलावा बाबा कहते हमारे पास और कोई भी रास्ता, कोई भी उपाय नहीं है। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर के ऊपर है उस बोझ को उतारने का एक ही तरीका है, और वह है यह योग। तो पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है, और वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। कौन है? शिव बाबा। वही सत शिक्षक, सत बाप, सत गुरु है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक और जगत का गुरु है। तो बाबा कह रहे हैं कि रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। यह पतित दुनिया है और इसमें एक भी पावन होना, बाबा कह रहे हैं, असंभव है। इस पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में, पतित दुनिया में जहाँ पांच विकार अपने, है ना, अपने ऊपर सीमा तक पहुँच चुके हैं, चरम सीमा तक पहुँच चुके हैं, तो ऐसी दुनिया में बाबा कह रहे हैं एक भी पावन होना असंभव है, बाबा ने कहा। और जब तक वो परमात्मा आकर के हमें पावन बनाने का रास्ता नहीं दिखा देते तब तक ये आत्मा पवित्र बनना भी मुश्किल है। बाबा कह रहे हैं कि पतित पावन बाप ही सर्व की सदगति करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम भी उनके बच्चे बने हो ना, तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाए।
शिव के आगे बाबा ने कहा कि त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, ये भी लिखना है। डीटी सॉवरेंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा कह रहे हैं, चित्रों में लिखो, बाबा कहते हैं, है ना, कि सतयुगी देवी देवताओं की दुनिया, बाबा कह रहे हैं ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सो भी अभिकल्प के संगम युगे, क्लियर लिखने बिगर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बीके नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं, इसलिए बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इस लिखो, है ना। बाबा कह रहे हैं इस संसार में ब्रह्मा का नाम, ब्रह्मा नाम, है ना, ये बहुत सारे शरीरों के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर दिया गया है ये ब्रह्मा, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं सिर्फ बीके नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी ऐसे बाबा ने कहा। क्योंकि पहले जब साकार में बाबा थे, जब कोई भी सेवा शुरू करते थे, इवन प्रदर्शनी भी करते थे, तो उस प्रदर्शनी की थीम क्या होगी वो भी बाबा मैसेज देते थे, बाबा मैसेज देते थे, और उस थीम के ऊपर पहले बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी, सिखाया जाता था कि कैसे उनको समझाया जाएगा। बाबा एक एक चीज़ को बहुत मायने रखते थे, बाबा मैसेज खुद देते थे कि ये नाम का प्रदर्शनी है तो इस हिसाब से ऐसे प्रोग्राम करो, ये प्रोग्राम करना है, ये प्रोग्राम करना है, है ना। तो इसलिए देखो बाबा भी क्या कह रहे हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो कि पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे, इस समय बाबा कह रहे हैं एक भी पावन है नहीं, इस समय इस कलयुग की दुनिया में बाबा कहते एक भी पावन आत्मय है नहीं, सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते हैं, बाप के लिए भी कह देते हैं कि कच्छ मच्छ अवतार है, परमात्मा के लिए कह दे रहे हैं ना कि 24 अवतार वो लेते हैं, कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, वराह अवतार, क्या क्या अवतार ना लिख दिया है शास्त्रों में। बाबा कहते अवतार किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं है, और अवतार तो होता ही है एक का, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। परमात्मा का अवतार होता है, अवतार इन द सेंस ये नहीं है कि वो कोई पशु या पंछियों का अवतार लेकर के आएंगे, परमात्मा अवतार मतलब अवतरित हुई आत्मा को कहा गया है अवतार, हम आत्माएं भी अवतरित हुए हैं परम धाम से, तो ये हमारा अवतार है। लेकिन परमात्मा का अवतार बाबा कहते हैं उसका अवतार दिव्य भी है और अलौकिक भी है, और अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश करके वह विश्व को पावन बनाते हैं। हम आत्माएं जैसे गर्भ में आते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा का जन्म वैसा नहीं है, इसलिए उनके जन्म को कहा गया है दिव्य और अलौकिक जन्म कहा गया है। बाबा कह रहे हैं कि और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं और उनको अपना शरीर है नहीं, परंतु ज्ञान का सागर है तो फिर ज्ञान कैसे देंगे। बाबा कहते शरीर चाहिए ना, है परमात्मा, है ईश्वर, लेकिन ज्ञान देने के लिए अर्थात ज्ञान सुनाने के लिए भी एक आत्मा को शरीर का आधार तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो परमात्मा भी क्यों ना हो। तो इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई भी जानते नहीं है, बाबा ने कहा। बाबा कह रहे गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना ये बहादुरी का काम है, सबसे बड़ा काम है। परिवार को छोड़ कर के चले जाना ये बहादुरी का काम नहीं है, लेकिन परिवार के अंदर रह कर के पवित्र होकर के रहना, बाबा कहता ये बहुत चैलेंज का काम है, बहुत बहादुरी का काम है। और महावीर अर्थात बाबा ने क्या कहा, वीरता दिखाई। महावीर किसको कहते हैं, जो अपनी वीरता को दिखाते हैं युद्ध भूमि में, रणभूमि में जो अपनी वीरता को दिखाते हैं उनको महावीर कहा गया है। और बाबा ने इसलिए कहा कि महावीर अर्थात वीरता दिखाई, ये भी वीरता है जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो, वह तुम कर सकते हो। इसलिए बाबा देखो कई बार मुरलियों में क्या समझाते,
कि जो कुमारियाँ हैं वो साधु सन्यासियों के पास जाकर के सुनाएंगे तो वह जो साधु सन्यासी है वो कुमारियों की बात नहीं सुनेंगे, लेकिन बाबा कहते इसलिए गृहस्थ वाले जाओ, माताएं जाओ और उनको सुनाओ, पवित्रता के बारे में भी सुनाओ तो वो सुनेंगे, समझेंगे। बाबा कहते ये काम तुम कर सकते हो, बाप श्रीमत देते हैं कि तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ही उच्च पद पा सकेंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी, बाबा कह रहे हैं। इसलिए पवित्रता है मुख्य आधार, फाउंडेशन में बाबा ने रखा पवित्रता। पहले इस पेपर को पार करना पड़े अगर पक्का ब्राह्मण बनना है तो। तो बाबा भी देखो क्या कहते, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी, ये है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई और ये पाठशाला है, बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये तो बिल्कुल बाबा कह रहे हैं कि राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे और यह कल की बात है, अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं, कई तो फिर पतित मनुष्य के भी बनाते हैं। आजकल तो शरीरधारी इस पति शरीर को ही पूजा करने के लिए लग गए हैं, है ना, कई फिर पतित मनुष्य के भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो हैं ही पतित मनुष्य, अब समय था जबकि देवी देवताओं की मूर्ति को रख करके पूजा करते, आजकल तो और भी शरीरधारियों की बाबा कहते हैं पतित शरीरों की भी पूजा है। कोई अगर बहुत अच्छे आप देखना कोई मान लीजिए कोई फिल्म एक्टर को भी अपना भगवान कह करके पूजा कर रहे होंगे, कोई पॉलिटिशियन को भी अपना भगवान कह करके पूजा कर रहे होंगे, कोई मान लो कोई अपने एक इंडस्ट्रियलिस्ट को भी अपना आधार बना करके भी पूजा कर रहे होंगे, ऐसे होता भी है। इसलिए बाबा कहते कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। तो द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य, कहाँ शिव का, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना और कहाँ यह पतित मनुष्यों का पूजा करना। बाबा कह रहे कितना अंतर है, कहाँ शिव बाबा को पूजा करते थे, है ना, निराकार शिवलिंग की पूजा करते थे, फिर धीरे धीरे देवी देवताओं के ऊपर आए और कहाँ बाबा कहता वर्तमान समय पतित मनुष्यों का पूजा पाठ। तो बाबा कह रहे ये कोई देवता थोड़ी है। तो बाबा समझाते इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है, इसके ऊपर बाबा कह रहे ठीक रीति से विचार सागर मंथन करो कि ये जो पतित मनुष्यों को पूजा हम कर रहे हैं क्या ये सही है, क्या ये सही है, या इस पूजा से क्या हमें उनसे कोई प्राप्ति मिल जाएगी। अब बाबा कहते हो आप विचार सागर मंथन करो, बाबा ने कहा। बाबा कहते बाबा तो समझाते रहते दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी, दिन प्रतिदिन, ऐसे नहीं कि पहले क्यों नहीं ऐसे बनाया, बाबा कहते ऐसे नहीं कहेंगे, पहले क्यों नहीं मनमना भव का अर्थ ऐसे समझाया, ये भी बाबा कह रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं मनमना भव का अर्थ ऐसे समझाया। बाबा कह रहे हैं कि अरे पहले ही थोड़ी ऐसे याद में ठहर सकेंगे, अगर शुरू से ही बाबा कह देते कि मनमना भव हो करके रहो तो किसको समझ में आता कि ये मनमना भव क्या चीज़ है। इसलिए बाबा धीरे 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 सारी बातों को लेकर आ रहे, इसलिए बाबा कहते बहुत सारी चेंजेस होने वाली है, बहुत सारा चेंजेस हाँ। तो बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं, तो तकदीर में अगर उच्च पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे। टीचर का काम है पढ़ाना, अब उस आत्मा की अगर तकदीर में नहीं है उच्च पद पाना तो बाबा कहते ये टीचर क्या करेंगे। बाबा कह रहे ऐसे तो नहीं ना कि आशीर्वाद से ऊँच बना देंगे, ये भी नहीं हो सकता, इसलिए बाबा के पास कोई आशीर्वाद या कृपा मांगने की ज़रूरत नहीं है। और बाबा ने क्या कहा कि मैं ये जो पढ़ाई तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जो शिक्षा दे रहा हूँ, यही हम बच्चों के लिए एक प्रकार की आशीर्वाद है, एक प्रकार की कृपा है। तो अपने को देखना है कि हम कैसी सर्विस करते हैं, कैसी सर्विस करते हैं।
है ना। बाबा ने देखो अव्यक्त मुरली, अभी जो संडे की मुरली भी चलाई थी, बाबा ने क्या कहा था, सेवा के लिए भी पहले तो संकल्प उठना चाहिए, एक कदम संकल्प उठना अगर उठता है, संकल्पों का अगर एक कदम उठता है कि हम सेवा करें या इन आत्माओं का कल्याण हो जाए, तो बाबा कोई ना कोई आधार से किसी ना किसी आत्मा के द्वारा वह सेवा करवा देगा। लेकिन पहले शौक होना चाहिए, सेवा के प्रति पहले संकल्प उठना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा अपने को देखना है कि हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए, बाबा कह रहे हैं सेवा के लिए, बाबा कह रहे हैं विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन, ये चित्र बहुत मुख्य है। और बाबा कहते विचार सागर मंथन करो इसके ऊपर, किस रीति से समझाएं, क्या बोल करके समझाएं, क्या किस आधार से हम उनको बोले तो उनको समझ में आ जाए। बाबा कह रहे भगवान है निराकार, वह ब्रह्मा के शरीर बिगर तो सुना ना सके, वह आते ही है ब्रह्मा के तन में और वह भी इस संगम युग पर, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए है। कुछ तो कारण है ना, इन तीनों का रचयिता जबकि शिव बाबा है, तो इन तीनों को आधार बनाया, तो कोई ना कोई कर्मों को पूरा करने के लिए आधार बनाए होंगे बाबा ने। तो बाबा कहते ये बात को भी समझना जरूरी है, तो बायोग्राफी चाहिए ना। और ये बात बाबा कहते कोई भी जानते नहीं दुनिया में, भले हम पूजा करते हैं, शंकर की प्रतिमा की पूजा किया, विष्णु की प्रतिमा की पूजा किया, ब्रह्मा की प्रतिमा की पूजा किया, लेकिन जानते नहीं। और ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है, क्यों ऐसे कहा जाता कि ब्रह्मा के 1000 भुजा थे। अब कोई देव या देवी के तो इतनी सारी भुजाएं तो होते नहीं है, वही 2 हाथ 2 पांव 2 आंख 2 कान 1 नाक, है ना। बाबा कहते ब्रह्मा के 1000 भुजा क्यों दिखाया, क्योंकि ये सिर्फ ब्रह्मा नहीं, ये प्रजापिता ब्रह्मा की बात है जो परमात्मा ने एडॉप्ट किया। और 1000 भुजा अर्थात हम जो सारे बच्चे हैं ब्रह्मा के, 1000 संख्याओं के भुजा। तो बाबा ने इसलिए कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा के तो इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने, तो जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, इसलिए अभी पवित्र बनने के लिए बाबा के पास आए हैं। और अब पूरा पवित्र बनना है, बाबा कह रहे हैं अब पूरा पवित्र बनना है। आप देखो मधुबन हमारा वरदानी भूमि है, परमात्मा का अवतरण भूमि है। और बाबा क्या कहते, जैसे मुरली के हिसाब से अगर देखते हैं तो वहाँ के ही जो निवासी हैं, वहाँ के निवासी अर्थात जो आबू रोड स्थान के जो निवासी हैं, है ना, तो उनको भी अभी तक पता नहीं है कि ये स्थान पर इतना भीड़ क्यों होता है, ये परमात्मा का अवतरण भूमि है, यह भी अभी तक उनको पता नहीं चला है। अब बाबा कह रहे हैं जबकि तुम्हें पता चला, अब तुम पवित्र बनो, बाबा कह रहे हैं। तो श्रीमत मिलती है कि मामेकम याद करो, बाबा कह रहे हैं मामेकम याद करो, और घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाओ कि क्या मुझे बाबा याद है, क्या मुझे बाबा याद है, तुरंत घड़ी घड़ी। अगर कोई परिस्थिति वाली बात भी आती है तो पहले अपने को याद दिलाओ क्या बाबा याद है, तो तुरंत मनोवृत्ति चेंज हो जाएगी। चाहे कितना भी तूफान वाला परिस्थिति आए लेकिन वो हमें हिला ना सके, तब होगा जब ये स्मृति में आए कि क्या मुझे बाबा याद है। इसलिए बाबा कहते हैं कि श्रीमत मिलती है कि मामेकम याद करो, सिर्फ योग के समय पर नहीं, अमृत वेला या नुमा शाम के योग के समय पर नहीं, लेकिन सारे दिन भर में ये याद करो कि क्या मुझे बाबा याद है। तो बाबा कहते कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें, मूंछ पड़ते हैं। तो बाप का बनकर और विकर्मा जीत ना बने, पाप ना कटे, याद की यात्रा में ना रहे, तो वह क्या पद पाएंगे। बाबा कह रहे वो क्या पद पाएंगे, भल सरेंडर है परंतु उनसे क्या फ़ायदा, भल सरेंडर है परंतु उनसे क्या फ़ायदा, कि बाप का बनकर विकर्माजीत ना बने, पाप ना कटे, याद की यात्रा में ना रहे, तो ऐसे समर्पित होकर के बाबा कह रहे हैं कि क्या फ़ायदा।
तो जब तक पुण्य आत्मा बन, बाबा कह रहे हैं जब तक पुण्य आत्मा बन, औरों को, बाबा ने कहा औरों को ना बनाए, पुण्य आत्मा बन करके औरों को पुण्य आत्मा ना बनाए, तब तक उच्च पद पा नहीं सकते। तो जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे पद भी कितना मिलेगा, जितना थोड़ा हम बाबा को याद करेंगे तो पद भी कितना मिलेगा, पद भी थोड़ा सा ही मिलेगा। कम याद तो पद भी थोड़ा कम, है ना, सेवा कम तो पद भी बहुत कम मिलेगा। और हम याद भी ना करें और हम ये आश लगा करके बैठे कि हम वहाँ लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो ये कैसे संभव हो सकता है। अगर हम लक्ष्य रख रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो हमें अपना पुरुषार्थ की गति को भी स्पीड करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि डबल ताजधारी कैसे बनेंगे, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाबा कह रहे हैं देरी से फिर आएंगे, क्योंकि यहाँ संगम युग पर पुरुषार्थ बहुत कम किया है, तो वहाँ परमधाम से भी नीचे आते समय भी बाबा कह रहे हैं आने के लिए भी टाइम लगेगा। तो ऐसे नहीं, हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया इसलिए डबल सिरताज बनेंगे। सोचो जरा, अगर कोई सोचे बाबा के बच्चे कि हमने तो सब कुछ सरेंडर कर दिया इसलिए हम डबल सिरताज बनेंगे, क्या ये पॉसिबल है? क्या इस प्रकार का सोच सही है, काम करेगा इस प्रकार का सोच कि मैंने सब कुछ सफल कर दिया इसलिए मैं डबल सिरताज बन जाऊंगी, क्या ये पॉसिबल है? बाबा कहते नहीं। बाबा ने कहा नहीं, बाबा कह रहे पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा, जेहेतु आपने सबको समर्पित किया है। लेकिन बाबा ने कहा सतयुग में, जैसे बाबा कहते दास दासी का पद, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं किया ना, बाबा को याद करने का पुरुषार्थ नहीं किया, मुरली के गहराई में जाने का पुरुषार्थ नहीं किया, सेवा में, है ना, सेवा करने का पुरुषार्थ नहीं किया। हम क्या सोचे हमने अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया तो हो गया, नहीं, ब्रह्मा बाबा ने भी अपना सब कुछ सरेंडर किया, लेकिन उसके सहित ब्रह्मा बाबा ने भी उतना पुरुषार्थ किया, तभी जाकर के इतना उच्च पद मिला। और बाबा कहते अगर सरेंडर कर दिया तो, बाबा कहते पहले दास दासियां बनते बनते फिर बाबा कहते पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। और बहुतों को ये अहंकार रहता है कि हम तो सरेंडर हों, हम तो सरेंडर हों, ये भी अहंकार कि हम समर्पित आत्मा है। सोचो बाबा ने कहा कि अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे, याद बिगर क्या बन सकेंगे, बाबा कह रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है पूरा आधार है हमारा पुरुषार्थ, अब सेंटर के अंदर रहे या सेंटर के बाहर रहे, मूल आधार पुरुषार्थ है। अगर सेंटर के बाहर भी है लेकिन पुरुषार्थ हमारा बहुत ज़बरदस्त है, तो अंदर वालों से भी हम आगे जा सकते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे, दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है, साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़ी झूल सकेंगे, थोड़ी झूल सकेंगे। और ये बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े, बाबा कह रहे हैं। इसलिए थोड़े में खुश नहीं होना, बाबा कह रहे हैं कि चलो हाँ हम सतयुग में चले जाएंगे, है ना, भले दास दासी बनेंगे लेकिन सतयुग में तो जाएंगे। तो कई बाबा के बच्चे ऐसे भी समझते हैं और खुश होते हैं, और बाबा कहते हैं कि बच्चे थोड़े में खुश नहीं होना है, हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे पहली मुख्य है याद की यात्रा, अपनी याद की यात्रा को चेक करो, अपने योग को चेक करो कि क्या मेरा योग सही है, सही है मेरा योग। और बाबा कहते जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है, जो प्यार से बाबा को याद करते हैं ना तो उनके अंदर वो खुशी रहती है। जबरदस्त वाली याद में खुशी नहीं रहती, जबरदस्ती बैठे बाबा के सामने वो खुशी नहीं रहेगी। तो बाबा समझाते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं, सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। बाबा ने कहा वहाँ तो
शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना, जैसे सर्प का मिसाल है। सर्प कितना इजीली अपना शरीर के वो खाल को छोड़ करके निकल जाता है, देखता भी नहीं है और पीछे मुड़ करके देखता नहीं है कि मेरा खाल कैसा है क्या है। इतनी पुरानी खाल को लेकर के मैं चल रहा था, है ना, अभी छोड़ करके जा रहा, सर्प थोड़ी ये देखता है। अब बाबा कहते हैं कि वहाँ तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं सर्प का मिसाल। तो बाबा ने कहा यहाँ ये पुराना शरीर अब छोड़ना है, तो तुम जानते हो कि हम आत्मा हैं, यह तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वह तो कहते हैं कि बाप की याद में ही शरीर छोड़ें और फिर जाकर बाप से हम मिलें, फिर जाकर हम बाप से मिलें, बाप की याद में शरीर छोड़ें और फिर जाकर बाप से मिलें। इसलिए कितनी सुंदर सी पॉइंट बाबा ने हमें समझाया। देखो, जब ये आत्मा शरीर छोड़े तो उसके लिए भी यतन या उसके लिए भी चिंतन कि मैं आत्मा कैसे शरीर छोड़ूं, कैसे शरीर छोड़ना चाहिए मुझे आत्मा को, एक बार चिंतन करो किस प्रकार से शरीर छोड़ना चाहते हैं। पूरे साथी सहयोगी पूरे परिवार वाले मेरे आँखों के सामने रहे और उनको देखते देखते मैं शरीर छोड़ूं या मैं बाबा को याद करते करते शरीर छोड़ूं, क्या पसंद है, क्या पसंद करना पसंद करोगे, किस प्रकार की मौत चाहिए मुझे, क्या मेरे परिवार वाले सब मेरे सामने रहे और मैं शरीर छोड़ूं या मेरे मन और मेरी बुद्धि बाबा के साथ लगी रहे और मैं शरीर छोड़ूं। आत्मा ये तन को छोड़े। अब बाबा ने भी क्या कहा कि ये तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है, तो सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वो तो कहते हैं कि बाप की याद में ही हम शरीर छोड़ें और मेरे सामने और कोई ना रहे, सिर्फ मैं बाबा, क्योंकि फिर जा कर के हम बाप से मिले। तो कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। तो तुम बच्चों को रास्ता मिला है, बाबा ने कहा, तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो, जीते जी मरे हो। तो बाबा कहते परंतु जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना, है ना, पूरा सरेंडर तो हो गए लेकिन जबकि आत्मा पवित्र तो बने ना, और वो तो याद बिगड़ तो कभी बन ना सके। तो पवित्र बन फिर यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कि कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर छोटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा, आत्मा इस शरीर के अंदर कभी भी रह नहीं सकेगी। पवित्र आत्मा कभी भी इस पति शरीर के अंदर रह नहीं सकेगी। आत्मा क्यों इस शरीर के अंदर है, क्योंकि आत्मा भी पतित है और शरीर भी पतित है, तो अभी कॉम्बिनेशन मिल रहा है, कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा तो कभी भी रह नहीं सकेंगे। तो बाबा ने भी क्या सुनाया कि बाबा कह रहे हैं, है ना, पवित्र बन ये पुराना शरीर छोड़ जाना है, बस हम बाबा के पास जा कर के रहे। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, तो सर्प को बाबा ने कहा पुरानी खाल से नफरत होती होगी ना, तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, बाबा कह रहे हैं, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी, लास्ट में ये अवस्था होगी। बाबा ने कहा कि बस अभी अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई, बाबा कहते लड़ाई की भी पूरी तैयार होगी, विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। विनाश का सारा मदार बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। तो अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे और इसमें कितना फायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए, कितना बाप को याद करना चाहिए, विश्व का मालिक बन रहे हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए, सोचो जरा कितना, अर्थात अभी घंटों भर तक की बात नहीं है, कितनी मात्रा में याद करनी चाहिए। बाबा ने कहा तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस
उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी विनाश के लिए। सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो है वो कुछ भी नहीं समझते हैं। बेसमझ जो है उनकी बुद्धि में क्या चलेगा, अभी तो सब कुछ नॉर्मल है। जब युद्ध होगा, जब नेचुरल कैलामिटीज आएंगी, तब हम बाबा को याद करने के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें तो पता है बाबा को कैसे याद किया जाता है। आप सोचो, जब परिस्थिति सब कुछ अभी ठीक है, तब भी मन बुद्धि बाबा के पास लगाना कितना मेहनत हमें लग रहा है, और जब परिस्थिति भारी हो जाएगा है ना, तब मन और बुद्धि को बाबा के पास सहज रीति से कैसे लगा लेंगे सोचते हैं हम। इसलिए बाबा ने कहा कि जो बेसमझ है वो कुछ भी नहीं समझते, जरा भी धारणा नहीं होती। बाबा ने कहा जरा भी धारणा नहीं होती, हाँ हाँ भल करते रहते हैं लेकिन समझते, बाबा कह रहे हैं, कुछ भी नहीं, याद में ही नहीं रहते। तो जो देह अभिमान में रहते हैं, ये दुनिया याद रहती है, वह क्या समझेंगे। अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, अपने को थोड़ा सा है ना बॉडी कॉन्शियस से दूर लो। बाबा ने जैसे कहा, अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस के स्टेज में रखो, देही अभिमानी होकर के रहो। बाबा कह रहे हैं अर्थात इस देह को भी भूल जाना है तो पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो। बाबा ने कहा पिछाड़ी में बाबा कहते तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, और कोशिश करके लास्ट में कितना मिलेगा, रिंचक मात्र मिलेगा, तो प्राप्ति भी कितनी मिलेगी। तो ये जो सोच है कि लास्ट समय पर हम बाबा को याद करने लग पड़ेंगे और कोई हमें याद नहीं आएगा, ये गलत धारणा है। अगर ये करना इतना सहज होता तो बाबा भी 100 साल के लिए हमारे पीछे इतना मेहनत बाबा को क्यों करना पड़ता। अभी लास्ट 83 ईयर्स से बाबा हमारे पीछे इतना मेहनत जो कर रहे हैं, तो बाबा भी क्यों करते, अगर लास्ट समय पर भी अगर याद करना सहज हो जाता तो। बाबा भी क्या कह रहे हैं कि अभी तुम ये समझते नहीं हो तो पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे कि यह पाप किए हैं, ये भी साक्षात्कार बाबा कराएंगे कि ये तुमने पाप किए हैं, अब ये सज़ा तुम खाओ। और पद भी देखो, बाबा ने कहा सिर्फ सज़ा नहीं, बाबा कहते हैं कि पद भी देखो कि तुम्हें क्या मिलने वाला है। भले लंबे समय से ज्ञान में चल रहे होंगे है ना, लेकिन धारणा नहीं है, पाप के ऊपर पाप कर्म करते जा रहे, विकर्म के ऊपर विकर्म करते जा रहे, और हमें लग रहा होगा कि हाँ हम इतने समय से ज्ञान में आ गए, इतने लंबे समय से ज्ञान को सुन रहे, योग कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से पाप कर्म और विकर्म का खाता भी चढ़ रहा है। तो बाबा वो सारी चीज़ें तो दिखाएगा ना, और लास्ट में बाबा कहेंगे कि ये सज़ा खाओ, और ये आत्मा को फील भी होगा कि बाबा ये सज़ा हमें दे रहे, अपने कर्मों की सज़ा हमें मिल रहा है। और पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी बाबा कह रहे हैं साक्षात्कार करेंगे। अब बाबा कहते हैं कि अपनी पत मत गवाओ, पत अर्थात अपनी इज्जत मत गवाओ, अपनी इज्जत, अपनी इमेज को बाबा के सामने हमेशा के लिए ठीक रखने के लिए भी पुरुषार्थ, मेरी इमेज बाबा के सामने हमेशा ठीक रहे। और पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, बाबा ने कहा। एक तरफ बाबा कहते हैं अपनी इज्जत को मत गवाओ, दूसरी तरफ बाबा ने कहा कि पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो। तो अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो, वही पतित पावन है और दुनिया में कोई भी पतित पावन है नहीं। बाबा ने कहा शिव भगवान वाच, जबकि कहते हैं कि सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक है और उनको ही सभी याद करते, परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाबा की याद आए, और जब तक शरीर समझ करके बैठे हैं, बुद्धि में है, तब बाबा याद नहीं आएगा। शरीर समझा तो शरीरधारी ही याद आएंगे। और बाबा ने कहा परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाबा की याद आए।
तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुंधा हुआ है, वह कभी विनाश होने का नहीं है। यह समझना कोई मासी का घर नहीं है, भूल जाते, इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। तो देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है, देह अभिमान ने ही बिल्कुल सबको मार डाला है। ये मृत्यु लोग बन पड़ा है, बाबा कह रहे सब अकाले मरते रहते हैं, जैसे जानवर पंछी आदि मर जाते वैसे बाबा ने कहा तो मनुष्य भी मर जाते, फर्क कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना, अमर लोक के मालिक है ना, अमर लोक अर्थात अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं। अमर लोक अकाले मृत्यु मतलब समय से पहले, काल से पहले मृत्यु वहाँ असंभव है। बाबा कहते और क्या नहीं होता, दुख भी नहीं है, और यहाँ तो दुख होता है तो जाकर फिर मरते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो अकाले मृत्यु आपे ही ले आते हैं, और ये मंजिल बड़ी ऊंची है। इसलिए बाबा ने कहा कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, इसमें मेहनत है। आज भी बाबा ने कहा ना मुरली में विशेष करके कि क्रिमिनल आँखें ना रखो, बाबा ने आज कहा था आ? और बाबा भी देखो क्या कह रहे हैं कि कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, इसमें मेहनत है। बाबा कह रहे इतना उच्च पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, इतना उच्च पद पाना सतयुगी दुनिया में जाना बाबा कहते कोई मासी का घर नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि क्रिमिनल आंखें ना रखो। कल की मुरली में भी बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि क्रिमिनल आंखें ना रहनी चाहिए, बहादुरी चाहिए इसके लिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए, तो बाबा कहते क्या करो। मान लो ऐसा हो, क्योंकि परिस्थिति तो और भी भारी होने वाला है, और बाबा ने कहा कि कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए, तो क्या करना चाहिए। बाबा कहते तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए, डरपोक थोड़ी बनना है, डरपोक थोड़ी बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, तो नाम वाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए, शिव शक्ति के जैसे बहादुरी भी चाहिए। जब सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, और इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर विकर्मा जीत राजा बन जाएंगे। और मेहनत है बाबा कहते याद की, इसलिए जो करेगा सो पाएगा। और दूसरे को भी सावधान करना है, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। किस बात को लेकर के सावधान करो, बाबा कहते ये भी बोलो उनको कि मेहनत है याद की, और जो करेगा सो पाएगा, और याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है, क्या कहा बाबा ने कि पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है, वह है जिस्मानी यात्रा, और ये है बाबा कह रहे हैं रूहानी यात्रा। रूहानी यात्रा सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे इस रूहानी यात्रा में। और जिस्मानी यात्रा में जिसमें हम सिर्फ है ना भटकते रहे और धक्का खाते रहे, लेकिन इस रूहानी यात्रा में बाबा कहते एक सेकेंड में हम अपने घर शांति धाम पहुँच जाते। बाप भी घर में रहते हैं तो मुझे याद करते करते तुम घर पहुँच जाएंगे। यहाँ सबको पाठ बचाना है, क्योंकि ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, और जितनी सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा ने कहा, क्या कहा बाबा ने कि दैवी गुण धारण करो और जितनी सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इसलिए कल्याणकारी जरूर बनना है, और पहले संकल्प चलना चाहिए कि औरों का कल्याण होना चाहिए। जिस जगह पर हम रह रहे, जिस स्थान पर हम रह रहे, जिस एरिया पर हम रह रहे, कम से कम उस एरिया की हर एक आत्मा का कल्याण होना चाहिए। बाबा कहते ये है सेवा का शौक, तो बाबा भी उस हिसाब से सेवा करवाएंगे। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि कल्याणकारी
ज़रूर बनना है। अच्छा, बाबा ने फिर याद प्यार दिया, मीठे मीठे सके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, बाबा कह रहे सदा याद रहे सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है, इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी और विकर्म, बाबा कह रहे भस्म होंगे। दो चीज़ें बाबा ने क्या कहा कि सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ हैं, इस स्मृति से बाबा कहते शक्ति प्रवेश होगी, फिर बाबा कह रहे हैं कि विकर्म भी भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी है। आज बाबा कहते कि बच्चे डरपोक नहीं बनना है, किस रीति से बहादुरी दिखाओ, इसलिए बाबा ने कहा ना उस सोमान में भी रहो कि मैं शिव शक्ति हूँ, तो शक्ति भरती जाएगी। सेकंड पॉइंट, जीते जी मरने के बाद ये अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूँ, जीते जी मरने के बाद ये अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूँ, और सरेंडर हो पुण्य आत्मा बन औरों को बनाना है और इसमें ही फायदा है। बाबा ने क्या कहा, सरेंडर हो पुण्य आत्मा बन औरों को बनाना और इसमें ही फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। बाबा कह रहे हैं सिर्फ सरेंडर हो जाए और बोलो कि हमें उच्च पद मिलेगा, हम डबल ताजधारी बन जाएंगे, आज बाबा ने क्या कहा ये असंभव है। आज का वरदान, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। क्या कहा बाबा ने कि अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। तो डिटेल्स में बाबा समझाते, सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। ये किसकी विशेष सेवा है, बाबा कहते सेवाधारी बच्चों की ये विशेष सेवा है निर्बल आत्माओं के अंदर बल भरना। इसके लिए बाबा कहते हैं हमें क्या बनना पड़ेगा, इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो, बाबा कह रहे हैं। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, बाबा ने कहा उसके ऊपर ही फिदा हो जाओ जैसे, ये गलती नहीं करना। बाबा ने कहा किसी आत्मा की जैसे सेवा करते करते तो उसके पिछाड़ी फिर लग जाना, बाबा कहते हैं कि ये गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बाबा कह रहे हैं कि बेहद की हो, शुभ भावना भी कैसी होनी चाहिए, शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है, वो फिर धीरे धीरे देह अभिमान में ले आता है, इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। ये है बाबा ने क्या कहा कि सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा। स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो देह अहंकारी नहीं। और एक बार, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है इसलिए अलंकारी बनो। कौन से अलंकार, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, सारे खजानों का अलंकार को पहनो, बाबा कहते अलंकारी बनो। बाबा ने कहा कि बच्चे देह अहंकारी नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।